चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमने जो 7 सवाल दिए थे वो सातों हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले एक बार जरा इस सवाल को आप पढ़ लें। आतामाजी सटकली, चलिए शुरू करते हैं। आज बड़ा बिजी दिन रहता है हमारा। चलिए देखें। एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 केजी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लेस्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर 0.1 केजी की आइस है 0 डिग्री की, एक आइसोलेटेड कंटेनर में रख दी गई है। 0.1 केजी है, 0 डिग्री पर है, आइसोलेटेड कंटेनर का टेम्परेचर दिया है 227। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रिलेशन। बड़ा प्यारा सवाल है। जनरली जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनमें स्पेसिफिक हीट भैया कांस्टेंट रहती है, और अगर कांस्टेंट रहती है तो फिर वो दिक्कत आती है उसे सॉल्व करने में। कॉन्स्टेंट रहती है तो आसान रहती है, और वेरिएबल रहती है तो दिक्कत आती है। तो वेरिएबल है आज, तो इसलिए सवाल दिया गया है। एक ही वैल्यू दी गई है, कैलोरी पर ग्राम केल्विन, सही है, और बी की वैल्यू दी है 2 × 10⁻²² कैलोरी पर केजी केल्विन स्क्वायर। हाँ, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही रखना है। ये गड़बड़ करेंगे आप, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, तो हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ए और बी जो है वो पर केल्विन में दिए गए हैं। चलो ए और बी की वैल्यू को बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ए की वैल्यू को 100 लिख लो हमारी यूनिट्स के हिसाब से, एसआई यूनिट्स में कह लो या कैलोरी पर ग्राम केल्विन इन सब में कह लो, और बी की वैल्यू को आप 2 कह लो, 2 × 10⁻²। इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज 27, ओके समझा, इसको 27 पर लाना है। डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर, इसका मास निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ यूजर, अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। और कितना भला आदमी है देखो, उसने लेटेंट हीट अपने आप ही कैलोरी पर केजी में और स्पेसिफिक हीट वाटर अपने आप ही कैलोरी पर केजी केल्विन में करके दी है। देखो इन यूनिट्स को पकड़ो जरा, देखो जरा ध्यान से, उसने पहले ही सब कुछ कैलोरी केजी केल्विन में दिया है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ कैलोरी केजी और केल्विन में चलाएं। अब मजे की बात यह है कि फाइनल टेम्परेचर इस कंटेनर का 27 होगा, तो क्या सिर्फ इस कंटेनर का 27 होगा या फिर आइस भी पिघल कर 27 पर आकर गिरेगी? भाई आइस भी तो 27 पर आएगी। आइस क्यों 27 पर आएगी? क्योंकि आइस को भी तो, आइस भी तो पिघलेगी पहले। तो कुल मिलाकर अपन तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे, क्यू गिवन बराबर क्यू टेकन। तो हीट देने वाला कौन है? हीट देने वाली हमारी आइस, या लेने वाली है? लेने वाली है। हीट लेकर पिघलेगी, हीट लेकर गर्म हो जाएगी, और देने वाला कौन है? कंटेनर। तो दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन आइस वाला मामला बहुत आसान है, तो क्यू टेकन निकालना बड़ा आसान है। सर क्यू टेकन निकालना क्यों आसान है? क्योंकि आइस पहले 0.1 केजी से क्या बनेगी? वॉटर बनेगी। तो पहले लिखेंगे ml, मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ वॉटर, वो तो मास ऑफ आइस मास ऑफ वॉटर एक ही बात है, और C डेल्टा T। पहले लेटेंट हीट लेकर पिघलेगी और फिर सेंसिबल हीट लेकर 27 डिग्री तक आएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम यहां पहुंचे, तो मास ऑफ आइस है 0.1, भले आदमी ने लेटेंट हीट दिया 8 × 10⁴, मास को केजी में क्यों रख दिया? क्योंकि उसने इसको कैलोरी पर केजी में दिया था, प्लस एम सी डेल्टा टी। सी दिया है 10⁻³, और डेल्टा टी जो है वो 27 है, क्योंकि अब 0 डिग्री के वाटर से 27 डिग्री पर जा रहे हैं। अब ये पूरा आएगा कैलोरी में। अब सवाल उठता है, सर आपने यहां पे डेल्टा टी को केल्विन में क्यों नहीं रखा? देखिए भाई, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो डिफरेंस है वो कहां आता है?
वो तब आता है जब आप टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे होते हो तब डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, वैल्यू सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरे को दिखाई दे रहा है 8 × 10⁻³ प्लस 2.7 × 10³, 10.7 × 10³। देखिए जरा ध्यान से, अब आता है क्यू गिवन, और क्यू गिवन की कैलकुलेशन बड़ी टफ है। आप सोच रहे होगे सीधा 227 से 27 पे ले आऊंगा, अबे कैसे लाएगा, देख तो ले, स्पेसिफिक हीट तो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो फंडामेंटल से जाना पड़ेगा, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, सॉरी एम एस डी टी। सर डीटी से क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे 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 कतरों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर टेम्परेचर के लिए ऐसा लगे एस क्यू बोला, क्योंकि उसने स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट किया, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट को। तो एम एस डी टी, और ये डी क्यू हो जाएगा एम, एस की जगह लिखेंगे ए प्लस बी टी। आज एस कॉन्स्टेंट नहीं है जो इंटीग्रेशन से बाहर ले आओगे, आज इंटीग्रेशन से मास बाहर आएगा और कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एस तो टी का, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब टेम्परेचर की वैल्यू ध्यान से सुनना, टेम्परेचर की वैल्यू पहले 227 पे थी, ये गड़बड़ कर दोगे आप, क्योंकि अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसके अंदर बी टी स्क्वायर बाई टू टाइप का कुछ आने वाला है, वो नहीं सुनेगा आपकी बात कि आप जो है डेल्टा टी बराबर होता है। अब आपका कर्तव्य है कि आप यहां पर लिमिट किस में रखें, केवल केल्विन में रखें, तो 227। ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे यहां पे, आंसर गलत लाएंगे, और वो इतने बड़े वाले हैं कि उन्होंने अगर ऑप्शन दिया होता, हालांकि नहीं दिया होगा, ये वैसा है इंटीजर टाइप में आया होगा, लेकिन ऑप्शन देते तो वो 227 और 27 वाला ऑप्शन जरूर रख के रखते, आप नहीं रख सकते 227 और 27। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू एम, 227 में 273 जोड़िए 500 आएगा, और ये 300 आएगा। ए प्लस बी का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी 80 प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू, यहां पर लिमिट में रख देंगे, नेगेटिव में आएगा माइनस का एम इंटू समथिंग, अभी वो समथिंग के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूं भाई, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 300 300, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कुछ माइनस में आएगा, वो माइनस, उस माइनस को छोड़ दो, वो गिवन बता रहा है, उसने उसकी हीट चली गई, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उठाएंगे अपन तो, और उसे उठा के इसके बराबर रखेंगे, और ये भी कैलरी में आएगा, इस पूरे मैग्नीट्यूड को उठा के इसके बराबर रख देंगे, ये और ये बराबर होने चाहिए ना, हीट हीट टेकन बराबर हीट गिवन, और हीट गिवन जो आएगा वो माइनस में आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड उठाना, माइनस माइनस में वो उठा लेना, वहां मैग्नीट्यूड रखने हैं, दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रख के इसको इसके बराबर रख के एम अननोन होगा, एम निकल आएगा। आपको सवाल समझ में आया? यस, बताइए एक बार सब लोग बताइए, समझ आया क्या? एक तरफ की जो हीट है वो इजीली निकल गई ml प्लस mc डेल्टा t करके, और एक तरफ की हीट हमने निकाली इंटीग्रेशन से, क्योंकि एक तरफ जो स्पेसिफिक हीट थी दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म फॉर होल टेम्परेचर, तो पूरी टेम्परेचर रेंज के लिए एक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, वहां पर इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ी। अब आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं।
आज तो मैं इसमें क्वेश्चंस डालना भी भूल गया, कोई बात नहीं, एक एक करके उठा लेंगे। चलिए, जेई मेन ने 2012 में पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है, देखने में बड़ा सा है, पढ़ने में समय लग जाएगा, लेकिन है आसान सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगा के हो जाएगा। आप लोग एक बार इसे रीड कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है, अ वुडन व्हील ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स। देखो, उसने दो सेमी सर्कुलर पार्ट से इसे बनाया है। द टू पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ रिंग मेड ऑफ मेटल स्ट्रिप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, और उसकी टोटल लेंथ है एल। एल इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर। टू फिट द रिंग ऑन द व्हील इट इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी एंड इट जस्ट स्टेप्स ओवर द व्हील एज इट कूल्स डाउन टू द सराउंडिंग टेम्परेचर इट प्रेसेस द सेमी सर्कुलर पार्ट्स टुगेदर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा एंड इट्स यंग्स मॉडुलस इज वाई, द फोर्स दैट वन पार्ट ऑफ द व्हील अप्लाइज ऑन द अदर पार्ट। बहुत प्यारा सवाल है, आइए देखते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि एक एक सेमी सर्कल पहले था यहां पर, ये एक टुकड़ा था और ये दूसरा सेमी सर्कुलर पार्ट है, और इनको एक मेटल की स्ट्रिप है, एक एक मेटल की पूरी रिंग है, बेल्ट टाइप की चीज है, बेल्ट टाइप की, उससे इसको कसना है, और ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो इस 2 पाई आर से छोटी है। तो फिर सर अभी बड़ी कैसे हो गई? वो बड़ी तो आपको दिखाने के लिए है, हम उसे गर्म करते हैं, उसे गर्म करते होंगे तो उसके अंदर लेंथ का चेंज आता होगा, वो बड़ी हो जाती होगी, बड़ी होकर इसके बराबर आ जाती होगी, जस्ट इसमें उस रिंग को पिरो देते होंगे, फिर वो ठंडी होती होगी, और ठंडी होकर वो छोटी हो जाती होगी, और जब वो छोटी हो जाती होगी तो उसको दबाती होगी। वो पूछ रहा है कि ये ऊपर वाला टुकड़ा इस नीचे वाले को कितने से प्रेस करेगा। इसके लिए जरूरी है आपको ये पता हो कि ये जो इस टुकड़े में कितना स्ट्रेस आ रहा है। क्या आप एक बात को समझ पा रहे हैं कि जब वो छोटा हो जाएगा तो उसका खींचने का मन करेगा, उसके अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, क्योंकि जब वो उसमें फंस गया तो वो खिंचा हुआ है, खिंचाव महसूस कर रहा है, वो जो खिंचाव है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, और वो टेंसाइल स्ट्रेस इज थर्मल स्ट्रेस। कैसे निकालेंगे सर वो? मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम जो है इसके ऊपर जब चले गए और जब तुम ठंडे हुए तो तुम्हारे अंदर स्ट्रेन कितना आया? उसने कहा भाई सर डेल्टा एल बाई एल आया। मैंने कहा सही बात है, डेल्टा एल बाई एल आया होगा। तो डेल्टा एल बाई एल जो है, ध्यान से समझेंगे, असल में हुआ ये, हाँ जी, तो हुआ ये कि उसके अंदर मैंने बोला भाई लेंथ का चेंज कितना आया होगा, तो जो स्ट्रेन आया, स्ट्रेन को उससे दिखाता है, और डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। किससे पता लगा? उसने बोला भाई साहब डेल्टा टी से गर्म किया था, जब डेल्टा टी से वो ठंडा होगा तो लेंथ में कितने का चेंज आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो थर्मल एक्सपेंशन का प्रिंसिपल है। तो यहां से हमें स्ट्रेन पता लग गया अल्फा डेल्टा टी, और जो स्ट्रेस होता है वो होता है वाई एप्सिलन। असल बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, असल बात यह है कि ये कौन सा स्ट्रेन है वो मैं आपको फील दिलाता हूं, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन। ऐसा क्यों सर? अरे वो छोटा होना चाहता है भाई, आपने उसके ऊपर पिरो तो दिया लेकिन ठंडा होने के बाद वो क्या होना चाहता है? छोटा होने जाता है, लेकिन व्हील होने देगा क्या छोटा? अरे व्हील छोटा होने देगा क्या? व्हील छोटा होने नहीं देगा। अगर वो छोटा होना चाहता तो वो छोटा हो गया होता, वहां व्हील व्हील ना होता, व्हील रोकने वाला ना होता,
तो आज वो छोटा हो गया होता और बात खत्म हो होती, कोई स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं आई होती। दिक्कत यह हुई है कि जो बीच में व्हील है वो उसे छोटा नहीं होने दे रहा है, और अगर व्हील उसे छोटा नहीं होने देगा तो उसका छोटा होने का अरमान अरमान ही रह जाएगा। मैंने उससे पूछा, भाई साहब क्या महसूस करते हो? कहते भाई साहब जब से हम ठंडे हुए हैं ना, अब तो बस ऐसा लगता है कोई हमें इस व्हील पे से उतार दे और हम छोटे हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहते भाई साहब वो गर्मी गर्मी में हम इसके ऊपर पूरे के पूरे ऐसे चले गए थे, और जैसे ही ठंडे हुए तो हमें समझ में आया कि हमारा साइज तो बड़ा हो गया है, अब हमें छोटा होना चाहिए, लेकिन व्हील हमें छोटा नहीं होने दे रहा। मैंने कहा तो कैसा महसूस करते हैं आप? कहते भाई साहब खिंचा हुआ महसूस करते हैं। मैंने कहा क्या महसूस करते? कहते ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो हम छोटे होना चाहते हो लेकिन कोई हमें होने ना दे रहा हो। मैंने कहा ऐसा कितना स्ट्रेन है जो आपके अंदर आना चाहता है, जो आपके अंदर आना चाहता है, अपने आप आना चाहता है, आपके मौजूदा हालात में आना चाहता है, लेकिन उसे आने नहीं दिया जा रहा। कहते भाई साहब इतना स्ट्रेन है। मैंने कहा ऐसा कैसे? कहते भाई साहब मैं पहले एल लेंथ का था, ध्यान से सुनना, मैं पहले एल लेंथ का था, मुझे गर्म करके डेल्टा एल से बढ़ा दिया गया। अब ये जो डेल्टा एल से मुझे बढ़ाया गया, ये जो एल अल्फा डेल्टा टी मेरी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, इस एल अल्फा डेल्टा टी को मैं हटाना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं। मैंने कहा सही बात है, तो इतना स्ट्रेन है जो मेरा रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन है। और मैं आपको बता दूं, जो रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन होता है उसको अगर यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दो तो थर्मल स्ट्रेन मिल जाता है, थर्मल स्ट्रेस मिल जाता है। और इस थर्मल स्ट्रेस को वी कैन राइट टेंशन अपॉन एरिया। सर ये एस क्यों लिखा आपने? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो उसने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस दिया हुआ है, ए नहीं दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। गौर से देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, एस दिया है। तो मैंने क्या कहा, उसके अंदर लेटस से टेंशन डेवलप होगी, इस पूरे धागे में टेंशन डेवलप। सर आप टेंशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टेंशन एक फोर्स है, स्ट्रेस से काम नहीं चलेगा, हमें फोर्स चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो टेंशन अपॉन एरिया इतना रहा होगा, तो इस पूरी की पूरी आउटर रिंग में एक टेंशन डेवलप हो गई होगी। अगर मैं इसके दो टुकड़े कर लूं तो ऊपर वाली रिंग में इस तरफ और इस तरफ टेंशन ऐसे खींच रही होगी इसको, ठीक है? तो यहां से टेंशन आ गई गामा एस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? अब क्या है, अब फ्री फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये कौन है? ये वो सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर क्यों ली? क्योंकि अंदर अंदर वो टुकड़ा है, उस टुकड़े के क्या हालात है आइए उस पर बात करते हैं। दूर दूर बना दिया कुछ फोर्स एनालिसिस करने के लिए। अभी ध्यान से समझेंगे भाई सब लोग, इस पूरी रिंग में टेंशन है इस तरफ भी इस तरफ। मैंने कहा भाई साहब आप चले क्यों नहीं जाते? कहते ये टुकड़ा हमें रोकता है। मैंने कहा कैसे? कहते इधर एफ फोर्स लगा के। मैंने कहा बदले में आप क्या करते हो? कहते हम भी इस पे एफ फोर्स लगा देते। मैंने कहा भाई साहब आप चले क्यों नहीं जाते? दोबारा सुनना, इस पर इधर नीचे वाला जो टुकड़ा है, नीचे वाला टुकड़ा ये रहा, नीचे वाला टुकड़ा ये रहा, और मजा आएगा देखना जरा। सबसे पहले ये नीचे वाला वायर का टुकड़ा इसको खींच रहा है अपनी तरफ, टेंशन तो यही होती है। सर आप सेमी सर्कुलर एनालिसिस क्यों कर रहे हो? उसके दो कारण है। एक तो ये दो टुकड़े थे सेमी सर्कुलर थे, इसलिए मैंने रिंग को भी दो टुकड़ों में तोड़ के एनालिसिस करना जरूरी। दूसरा, सेमी सर्कल की खास बात ये होती है कि उसमें जो टेंजेंट होता है ना वो बिल्कुल वर्टिकल आएंगे, सीधे सीधे आएंगे, रेडियस के परपेंडिकुलर। अभी मैं यहां से तोड़ लूं उसको तो आड़े टेढ़े टेंजेंट आ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यही तो टेंशन है। मैंने इन दोनों इस ऊपर वाले से पूछा, मैंने कहा चले क्यों नहीं जाते? दो दो फोर्स लग रहे। कहते भाई साहब ये रिंग नहीं जाने दे रही अंदर जो ये है। मैंने कहा अच्छा ये कितना फोर्स लगा रही है? कहते भाई साहब ये एफ ऊपर लगा रही। मैंने कहा तुम भी पलट पलट के एफ इस पे लगा दो। अब मैंने इससे पीले वाली से पूछा, मैंने कहा भाई साहब चले जाओ? कहते भाई साहब नहीं जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? कहते ये हमें रोकता है। मैंने कहा कैसे? कहता ऐसे। मैंने कहा ठीक है, कितना फोर्स लगा के? कहते जी F/2 F/2 दोनों तरफ से लगाता है। मैंने कहा अच्छा तो तुम भी पलट के लगाते होंगे न्यूटन थर्ड लॉ से? कहते हाँ भाई साहब हम भी लगाते हैं। मैंने कहा चले जाओ भाई साहब आप ही चले जाओ। कहते नहीं भाई साहब हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहते ये बाहर जो रिंग है वो हमें रोकती है। मैंने कहा ठीक है, कितना फोर्स लगा? कहते एफ। मैंने कहा बदले तुम भी उस पर एफ लगाते होंगे? कहते हाँ हम भी एफ लगाते हैं। ये पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिए आप, ये पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम है। और इस फ्री बॉडी डायग्राम में से अगर मैं अकेले ऊपर ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं तो ये इन दोनों के समेशन के बराबर, अकेले इस रिंग का, किसी का भी बना लो, नीचे वाले वायर का बना लो ऊपर वाले को, साफ साफ दिखाई देता है ये एफ टू टी के बराबर होगा। और एफ अगर टू टी के बराबर है तो टी की वैल्यू मेरे पास पहले से पड़ी है, कितने? गामा एस अल्फा डेल्टा टी, गामा एस अल्फा डेल्टा टी। तो ये वो फोर्स है जो ये अंदर ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दूसरे पर लगा रही है और दूसरी पहले पर लगा रही है। तो आंसर होगा ऐसा कुछ, देखना जरा, 2 γs α δt। क्या आपको पूरा सवाल समझ में आया? मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, क्या आपको समझ में आया पूरा सवाल?
हाँ जी आगे चलेंगे दोस्तों, अब हम तीसरे सवाल पे चल रहे हैं। तीसरा सवाल भी बड़ा प्यारा सवाल है। ये हमने पहले वाला एक जेई एडवांस का क्वेश्चन किया, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन हमने किया, लेकिन मेरे को लगता है इस जेई एडवांस वाले से ज्यादा मजा आपको इस जेई मेन वाले में आया होगा, ये ज्यादा लॉजिकल था। आगे चलेंगे, अब हम लेके आ रहे हैं अपना तीसरा सवाल। तो आज का जो तीसरा सवाल है बेटा वो नीट का है, बाबा आदम के जमाने का सवाल है, 1990। लेकिन ठीक ठाक लग रहा था मुझे, एक टेम्परेचर स्केल का सवाल कराना था जो जनरली आता नहीं है। टेम्परेचर स्केल का सवाल इंडिविजुअली मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरे को तो रिविजन कराना है तो मेरे को टेम्परेचर स्केल का एक सवाल चाहिए था, तो मैंने टेम्परेचर स्केल का यह सवाल उठा लिया। ठीक ठाक सवाल है, कर लेते हैं फटाफट से। क्या है जरा देखें, अ सेंटीग्रेड एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। तो एक बात तो क्लियर है कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट रहे होंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर सेंटीग्रेड 100 डिग्री रहा होगा और फ़ारेनहाइट रहा होगा 212। सर आपको कैसे पता, यही होती है इसकी रीडिंग्स। ठीक है, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140। चलो ठीक है, इसको 140 पर ले आए। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर, अरे यहां का टेम्परेचर मान लीजिए आप टी, चलिए वो बोल रहा है कितना फॉल हुआ होगा, तो कुछ नहीं आप पता लगा लो 140 पर कितना होता है, ये बात खत्म हो गई। ये कितना होता है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, डिग्री फारेनहाइट माइनस उसका आइस पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। ये फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या रख देंगे, टी माइनस 0/100 इज इक्वल टू, डिग्री फारेनहाइट की जगह रख देंगे 140 माइनस 32/180। बस काटी काटी हो जाएगा, टी बाय 10 इज इक्वल टू 140 माइनस 32 बिकम्स 108 अपॉन 18, काटी काटी करेंगे इसे, 6 हो जाएगा ये। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई, ओए टी की वैल्यू क्या आ गई, ओए 60 आ गई, 60 डिग्री सेल्सियस आया होगा, तो यानी कि टी की वैल्यू तो 60 आने वाली है। तो बताओ उसने क्या पूछा है, फॉल इन सेंटीग्रेड में कितने का फॉल हुआ, 100 से 60 तक आने में 40 का फॉल हुआ, आंसर आ गया ये 40 है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, दो अच्छे सवालों के बाद ये तीसरा सवाल आपको तुरंत मैंने बस जस्ट रिवीजन के लिए डाला है कि आपको फॉर्मूले वॉर्मूले कैसे यूज करने हैं वो आपको समझ में आ जाए। इज इट क्लियर, हाँ शेरो, ओए आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, तीन के बाद चौथा सवाल है, आइए देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको केमिस्ट्री में भी मदद करेगा। अगर आपके केमिस्ट्री वाले सर ने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से नहीं पढ़ाया है तो आप इससे सीख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, हमारे सब्जेक्ट के सामने केमिस्ट्री एक फीका सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स एकदम जोरदार सब्जेक्ट है, मजेदार है, कुछ पूछिए नहीं। इसमें जो मजा है वो केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आप यहां से केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर के सवाल होते हैं ऐसे ही, उन्हें भी करना सीख सकते हैं। आइए देखते हैं, एज शोन इन फिगर अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ वॉल्यूम वी नॉट। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसका वॉल्यूम वी नॉट है, डिवाइडेड इन टू पार्ट बाय अ फ्रिक्शनलेस सेपरेटर। एक फ्रिक्शनलेस सेपरेटर लगा हुआ है, द वॉल्स ऑफ द ट्यूब आर एडियाबेटिक। ठीक है, बाहर तो कोई हीट ट्रांसफर होना नहीं है, बट द सेपरेटर इज कंडक्टिंग। अच्छा, ये कंडक्टिंग है, ठीक है कोई बात नहीं। आइडियल गैसेस आर फिल्ड इन द टू पार्ट्स, दोनों में भरी हुई है। व्हेन द सेपरेटर इज कैप्ट इन द मिडल द प्रेशर आर P1 एंड P2। ठीक है ठीक है, द सेपरेटर इज स्लोली, ठीक है स्लाइड कर दिया, एंड इज रिलीज एट अ पोजिशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। ओके ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, नए वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, वर्मा जी ने, एच सी वर्मा ने पेज नंबर 29 पर दिया है, वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 2 में दिया गया है, ये वॉल्यूम 1 लिखा है लेकिन वॉल्यूम 2 का सवाल है ये। ठीक है, तो देखे, तो अब देखे क्या होगा, देखे प्लीज देखे क्या होगा। आप दो केसेस लीजिए, ये सेपरेटर है, ये केस वन है,
पहले यहाँ का प्रेशर P1 दिया है, यहाँ का P2 दिया है, पहले बीच में है, तो क्या मैं इसे V0 by 2 ले सकता हूं? सोच के देखिए। हाँ, पूरे का वॉल्यूम V0। देखो पहले हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि जो गिवन डेटा होता है ना यार, उसके टर्म्स में हम आंसर ला सकते हैं। तो P1, P2, V0, ये तीनों हमारे गिवन डेटा है, और आप फाइनल आंसर देखो P1, P2 और V0 के टर्म्स में ही है, इसलिए इनका तो जम के इस्तेमाल करेंगे और इनको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान से देखो दोस्तों, P1, P2, V0 by 2, V0 by 2, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये कंडक्टिंग है तो यहां से हीट खूब आ जा रही होगी। अगर हीट, देखो ये यहां पर एडियाबेटिक है, अगर ये एडियाबेटिक है तो यहां से तो हीट बाहर नहीं जाएगी, यानी कि केवल इन दोनों के बीच में हीट आ जाए। और अगर हीट आ जा रही होगी तो एक बात तय है कि अगर यहां का टेम्परेचर टी है तो यहां का टेम्परेचर भी टी होगा। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के लिए एक चीज चाहिए होती है, कौन? N1, और यहां पर मान लो N2। सर आप अलग अलग क्या क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे को क्या पता है यहां पर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, यहां पर कितने नंबर ऑफ मोल्स है। मैंने यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, क्या आएगी? P1 V0 by 2 is equal to N1 RT, और फिर यहां पर लगाई P2 V0 by 2 N2 RT। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, क्यों? कुछ कुछ रिलेशन निकालेंगे। हाँ, ये काम आएगा हमारे P1 by P2 is equal to, ये N1 by N2 दूसरे वाले केस में हमारे काम आने वाला है। तो ये N1 by N2 की हमने वैल्यू तैयार कर ली, किसके लिए? केस 2 के लिए। अब इसको खिसका देते हैं इधर, अब बनाते हैं केस 2। क्या बनाएंगे? केस 2। अब इतनी मेहनत कौन करे? अच्छा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सॉरी, दोबारा से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्लाइडर तो स्लाइड होने वाला है ना। देखे भाई, अब यहां पर एक जरूरी बात है जो समझने की, बहुत बहुत जरूरी बात है, इसे समझना पड़ेगा हमें, बहुत जरूरी बात है। क्या है कि जब आप इसे इधर खिसका दोगे ना, अब आपको नहीं पता यहां पे वॉल्यूम क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो बदल गई हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी ये P1 P2 नहीं रहा होगा, लेकिन उसने एक बात बोली है, एक मजे की बात बोली है कि आपने जब उसे यहां छोड़ा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में है तो एक बात तो तय हो गई कि यहां का और यहां का प्रेशर बराबर होगा। इस बात को पकड़ना पड़ेगा। उसने बोला कि आपने उसे वहां ले जाकर छोड़ा जहां वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होगा, तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो गया। एक बात, बात नंबर एक। बात नंबर दो, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो अभी भी बराबर होगा, लेकिन वो पहले जितना नहीं होगा, लेकिन आपस में बराबर होगा। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी भी ये वॉल कंडक्टिंग है, इक्विलिब्रियम एंड कंडक्टिंग। इक्विलिब्रियम कहता है प्रेशर बराबर होगा, और जो टेम्परेचर है वो क्यों बराबर है? क्योंकि कंडक्टिंग है, चलो ठीक है, लेकिन पहले के बराबर नहीं होगा। ठीक है, N1 और N2 अभी भी इतने ही होंगे, क्योंकि गैस लीक थोड़ी हुई है और बाहर से भी कोई ऐड नहीं हुई है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व रहेंगे। और V1 V2 अलग अलग हो जाएंगे, ये पता नहीं कितने होंगे। फिर से सारे डेटा मान लिए हमने, फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे पहले वाले में। बहुत आसान है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन लगाने का सवाल है, और जो उसने गिवन डेटा दिया है उसको एनालाइज करने का सवाल है कि उसने जो कहा कंडक्टिंग बोला बीच की दीवार को, उसको हम कंडक्टिंग लेके सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। बात नंबर एक, इतनी हमें अक्ल है कि नहीं, और जब उसने बोला ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरफ का प्रेशर सेम ले पा रहे हैं कि नहीं, बस इतनी सी बात है। नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे बस। अब देखो P1V1 P-V1 = N1RT-। अब तो आपको सवाल का भविष्य दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो अभी दिख जाएगा। फिर P-V2 N2RT- डिवाइड करो इसको, जैसे डिवाइड करोगे V1 by V2 आ जाएगा N1 by N2। दोस्तों देखना जरा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन N1 by N2 की वैल्यू तो पहली, क्योंकि N1 N2 तो हमारे माने हुए हैं, तो V1 by V2 P1 by P2 के बराबर आ गया। बहुत अच्छा, अभी देखो हमें V1 V2 बताने, लेकिन V1 और V2 का समेशन तो V0 है ना। बोलो भाई, सही। कहने का मतलब यह है कि V1 V2 का समेशन V0 है। अभी कुछ लोग इसे इक्वेशन विक्वेशन से करेंगे, मेरे को इक्वेशन विक्वेशन से ज्यादा मजा नहीं आता। मेरे को तो एक तरीका मालूम है, क्या? कि V1 जो है और V2 जो है, उन दोनों का रेशियो P1:P2 होना चाहिए। यानी कि V0 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है। देखो इक्वेशन से तो आप इसे सॉल्व कर ही लोगे, 3 और 4 को सॉल्व करके आंसर निकाल ही लोगे आप, मुझे पता है। आप तिगड़म लगाओगे, फिर यहां से V1 की वैल्यू निकालोगे, V2 के टर्म्स में उसे यहां रखोगे, फिर वो, मैं कह रहा हूं जल्दी करना है ना, एग्जाम में जल्दी करना है, तो रेशियो में बांटना है P1 P2 के रेशियो में V1 V2।
तो V नॉट के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो P1 रेशो P2 में हो, तो कोई दिक्कत नहीं। V1 कितना होगा मैं आपको बताता हूं, V नॉट के दो के टुकड़े करो P1 प्लस P2, और कितने टुकड़े उसे दे दो P1, और V2 के फिर V नॉट के V2 निकालने के लिए दूसरा टुकड़ा कितना होगा V नॉट के P1 प्लस P2, जिसको रेशियो अच्छे से आता है, जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे से रेशियो रेशियो खेलना सीखा है वो समझ गया होगा जल्दी से आंसर कैसे निकला, और जिसने जो नहीं समझा वो कोई बात नहीं, वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके निकाल ले। तो देखो यही आंसर आ रहे हैं। हाँ क्या आपको सवाल समझ में आ गया पूरा? हाँ जी। ओए मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एक अच्छा सवाल था, कहना चाहिए ये एक अच्छा सवाल माना जाएगा किसका, केटी जी का, कि हम कैसे चीजों को यूज कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे यूज कर रहे हैं। चलिए बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का मुझे उम्मीद है। अब हम चलते हैं आज के पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कहता है आइए देखते हैं। अ सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ आयरन इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ओमेगा से घूम रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द रिम, रिम यानी कि सबसे बाहर, रिम है ना, सर्कुलर डिस्क है और वो सबसे बाहर जो होती है, जो पेरीफेरी होती है, जो सर्कमफेरेंस होती है, उसे रिम बोलते हैं। एज द डिस्क इज स्लोली हीटेड फ्रॉम, अच्छा एक बात बताओ, डिस्क को जब स्लोली हीट करोगे तो उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है, रेडियस थोड़ी सी बड़ी होनी है और कोई फर्क ही नहीं है, बस खत्म हो गया सवाल। एक बार बताओ रिम पर वेलोसिटी कितनी होती है, v equal to r omega, omega को उसने कांस्टेंट दिया। आपको पता ये सवाल बहुत अच्छा हो सकता था, अभी बात करेंगे लेकिन कोई बात नहीं। अभी उसने क्या बोला है, कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ये जो उसने बोल दिया ना कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसने इस सवाल का नाश मार दिया बेटा। इस सवाल, ये सवाल तो बड़ा प्यारा सवाल हो सकता था अगर उसने ये बोल दिया होता विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क, तो क्या कोई मुझे बताएगा क्या होता आज? पहले तो मैं बता देता हूं इस सवाल में क्या हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है तो ये तो चेंज होना नहीं, तो ये बताओ वी में चेंज कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया, अल्फा दिया है और उसने बोला है परसेंटेज चेंज। यार मेरी बात सुनो, जो परसेंटेज चेंज होगा ना वो तो आपको पता होगा डेल्टा वी अपॉन वी जो होता है ना, जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होती है चीजें तो वो डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा के बराबर होता है, वो एरर्स में पड़ते हैं। लेकिन अभी ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हुआ नहीं, वो तो छोड़ो, तो डेल्टा आर बाई आर के बराबर होगा है ना, और अगर परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और डेल्टा आर बाई आर कितना आएगा, डेल्टा आर कितना होगा, आर अल्फा डेल्टा टी, खत्म ही हो गया। चलो पर रेडियस में कितने का चेंज आएगा, इनटू में 100, ये तो खत्म ही हो गया, सवाल खत्म है, ये कुछ नहीं है। अरे रेडियस में कितने का चेंज आएगा, रेडियस तो एक लीनियर डायमेंशन है ना, यहां पर बच्चे ये भी कहते हैं सर डिस्क तो एक सरफेस एरिया, अरे भाई एरिया का चेंज थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है और एरिया के चेंज से थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, आप एरिया का चेंज निकाल कर क्या कर लोगे, आप मेरी बात समझना, अगर आप एरिया का चेंज निकाल भी लोगे तो वो एरिया के चेंज से आर ओमेगा को क्या करोगे, आर ओमेगा में कौन छिपा हुआ है, आर, और आर एक लीनियर डायमेंशन है, और आर अगर लीनियर डायमेंशन है तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होगा। याद है मैंने फोटोग्राफिक एक्सपेंशन वाली बात समझाई थी, होल वाली बात समझाई थी, वहां पे रेडियस हो गई थी आर इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, सिमिलरली यहां पर भी जो आर में आएगा चेंज दैट विल बी आर अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कट जाएगा, दैट विल बी अल्फा डेल्टा टी इंटू में 100, अल्फा दिया हुआ है 1.2 इंटू 10^-5, डेल्टा टी टेम्परेचर कितने से चेंज हो गया बताओ मेरे को, कितने से, 30 से चेंज हो गया, इंटू में 100, तो जो आंसर आता दिखाई दे रहा है That is 3.6 into 10 to the power -5 से -3 रह जाएगा, एक और जीरो आ जाएगी, -2 आ जाएगा, ये परसेंट में आएगा आंसर, ध्यान रखना 3.6 into 10 to the -2%। अभी ये सवाल बहुत प्यारा हो सकता था अगर वो टॉर्क कांस्टेंट कह देता, अगर वो टॉर्क को कह देता, सॉरी टॉर्क को कह देता जीरो टाउ एक्सटर्नल को, तो आप यहां पर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाते और ओमेगा भी बदलता, क्योंकि जब वो डिस्क एक्सपेंड करेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा भी कम हो जाएगा, तो यानी कि रेडियस बढ़ गई ओमेगा कम हो गया, बहुत मजा आने वाला था। और फिर वहां पे लीनियर लीनियर बातें नहीं होती, ये नहीं कहते कि सर आर ओमेगा में आर बढ़ गया ओमेगा, नहीं, आर किसी और रेशियो में बढ़ता और ओमेगा किसी और रेशियो में कम होता, अलग ही मजा आ जाता सवाल में, बहुत मजेदार सवाल हो जाता। लेकिन उसने नहीं बोला आपको, मैंने दूसरा सवाल भी, ये सवाल इसीलिए डाल दिया था, मुझे ध्यान नहीं था इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर ये सवाल आ गया तो मैंने कहा चलो करा देते हैं, मैंने यही सोच के डाला था कि इसमें मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगवाऊंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये दूसरी वाली बात समझ रहे हैं, ये तो समझ आ ही गया होगा, आसान है ये तो, ये दूसरी वाली बात भी समझ रहे हैं आप,
पांचवें सवाल के बाद आइए हम देख रहे हैं आज का छठवां सवाल। हाइड्रोजन गैस इज कंटेन्ड इन अ क्लोज, ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ये। हमारे प्रेशर फॉर्मूला, मीन वेलोसिटी, प्रेशर फॉर्मूला की क्लैरिटी लाएगा, मीन वेलोसिटी की फॉर्मूला की क्लैरिटी लाएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज आपको सिखा के जाएगा। आइए इसे देखते हैं। जिसने प्रेशर फॉर्मूला का डेरिवेशन अच्छे से किया है वही इस सवाल को कर सकता है। वर्मा जी ने पूछा है पेज नंबर 35 पर, वॉल्यूम 2 में पूछा है। हाइड्रोजन गैस इज कंटेन्ड इन अ क्लोज वेसल एट 1 atm, प्रेशर दे दिया, प्रेशर दे दिया 1 atm, 100 किलो पास्कल, या कह लो सीधा लिख दो 10^5 पास्कल। चलो ठीक है, 1 atm ये हो गया। टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, चलो ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है। कैलकुलेट द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस बारे में तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, वी मीन कितना होगा बताओ, मीन स्पीड कितना होगा, अंडर रूट में 8 RT/πm, सबको फॉर्मूला याद होगा ही, हाँ बोलो जी, अंडर रूट में 8 RT/πm। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है, सीख लो, अगर इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है तो ये 8.31 जो आप रखोगे वो देखो ध्यान से सुनो, ये जो आर की वैल्यू आप रख देते हो ना फैल के 8.314, भैया ये जूल में होती है, यानी कि एसआई यूनिट्स में लिखी गई चीज है, समझ रहे हैं ओ भैया, है ना। तो क्योंकि ये जूल पर मोल केल्विन में लिखी गई चीज है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप इस फॉर्मूले में सब कुछ एसआई यूनिट में लिख देना, वरना गड़बड़ आ जाएगा मामला। टेम्परेचर दिया है 300, अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि यहां पर जो एम है उस एम को बाबूजी हाइड्रोजन का कितना रख देते हैं बताओ, क्या रख देते, 2 रख देते हैं। भैया 2 नहीं रखना है, 2 × 10⁻³ रखना है, वो 2 ग्राम है, मैं समझ रहा हूं 2 ग्राम है, मैं समझ रहा हूं उसका जो मोलर मास है वो 2 ग्राम है, लेकिन 2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके रखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में है, जो बोला ये समझ में आया, यहां से सॉल्व करके इसका इसका मैंने मेरे पास इसका एक आंसर होगा बेटा, कैलकुलेट करने का समय नहीं है, आंसर नहीं है इसमें, ये दिया है ना आंसर, यहीं से चेप देंगे बेटा, इसे सॉल्व करके यही आएगा, ये आ गया कौन, वी मीन। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया, पहले फर्स्ट पार्ट का बता दो, सेकंड पे तभी चलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, मैंने कैसे किया बस ये बता दो पहले फटाफट, फिर सेकंड पे चलेंगे, सेकंड बहुत प्यारा है। हाँ हर्ष श्रीवास्तव ने निकाला है, आगे चलेंगे। अब क्या कहता है, सपोज द मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल विद दिस स्पीड मेकिंग एन एवरेज एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इट। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स दीवार को आकर टकराते हैं इस स्पीड से 1780 से, मेकिंग एन एवरेज एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितना एंगल बनाकर 45 डिग्री एंगल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक ईच स्क्वायर मीटर ऑफ वॉल पर सेकेंड। आप एक चीज सोचिएगा 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 सोचिएगा, उसने प्रेशर क्यों दिया, उसने प्रेशर इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे पूछना चाहता है, ध्यान से सुनिए, वो आपको ये फील कराना चाहता है कि ये 1 m² की दीवार है, इसका एरिया 1 m² है, और टाइम उसने दिया है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं इसे सेव कर दूं बेटा फाइल को, वरना आपको भेजने की स्थिति में नहीं रहूंगा। मैंने गलती से आज लेक्चर 17 लिख दिया, आज लेक्चर 18 है ना। यस, उसने एरिया ले लिया है 1 m², देखो उसने सवाल में क्या बोला है, उसने बोला है हाउ मेनी मॉलिक्यूल स्ट्राइक ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल पर सेकंड, उसने टाइम भी दे दिया 1 सेकंड। आप समझो जब वो टाइम 1 सेकंड दे देता है ना, लेट अस से n मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं n, बहुत मजे की बात है सुनना, कितने मॉलिक्यूल्स आए n, और अगर n मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वो n मॉलिक्यूल्स यहां से टकराकर ऐसे जा रहे हैं, गौर फरमाना, जब वो n मॉलिक्यूल्स आएंगे टकरा टकरा कर ऐसे जाएंगे, बहुत बहुत मजे की बात है, तो फिर क्या होगा, प्रेशर कैसे क्रिएट होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर और इसको ना n मत लिखो, आप नंबर ऑफ मोल से कंफ्यूज होंगे, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा मेरे को बताओ, फोर्स कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, एवरेज फोर्स तो ऐसे निकालते हैं,
याद करो प्रेशर फॉर्मूला, एक में कितना चेंज आएगा तो आपको पता होगा, जब कोई एमवी से आता है और एमवी से जाता है और 45 पर आकर 45 पर जाएगा, तो मेरे को याद आ रहा है कि जो इसका इस मोमेंटम का साइन कॉम्पोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा और कॉस वाला चेंज हो जाएगा, मेरे को जो समझ आ रहा है। तो दैट विल बी 2 mv cos 45। वाह वाह वाह, लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल का है, एन मॉलिक्यूल का इतना होगा कितनी देर में, एक सेकंड में ये फोर्स निकल गया ना। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया वन है, एरिया वन हो गया तो फोर्स के ही बराबर हो गया, वन तो वो हो गया। ओ हो, मजे ले रहा है हमारे, प्रेशर की वैल्यू दे के बैठा है, टाइम उसने 1 सेकंड दे दिया, एरिया उसने 1 दे दिया, वो ये चाहता है बस आप एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज निकालना जानते हो और उस मोमेंटम के चेंज को 1 से डिवाइड करके एन से मल्टीप्लाई करके प्रेशर के बराबर रख दो। बस प्रेशर उधर दिया हुआ है, मास यहां रख लेंगे, वी की वैल्यू उसने दी हुई है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना लेंगे आप पहले बताएं, जितना ये लिखा है उतना समझ में आ गया, टेल मी, कैलकुलेशन तो हो जाएगी। जो मैंने अभी किया सेकंड पार्ट के लिए, जो मैंने सेकंड पार्ट के लिए किया, क्या ये सबको समझ में आया, टेल मी। Yes. इसमें एक चीज है, इसमें मास में हम गड़बड़ करते हैं, बताते हैं। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 10^5, रूट टू से कैंसिल गेट रूट टू, मास, मास गलती से लोग जो है यहां पर क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं, बेटा ये मोलर मास है, इसको 6.023 × 10^23 से चुपचाप क्या कर लेना, क्या कर लेना, चुपचाप डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये मास किसका, एक मॉलिक्यूल का, और वो जो आप 2 ग्राम लेके घूमते हैं वो किसका होता है, 1 मोल का। तो 1 मोल वाले को इससे एवोगैड्रो नंबर से, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, आपके केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे टीचर आपको बढ़िया चीजें सिखाते हैं, तो आपने उनसे सीखा होगा, है ना। मास रख देंगे, वी की वैल्यू रख देंगे यहां पर 1780, चोरी का माल है, हमने कैलकुलेट भी नहीं किया था, और एन यहां पर रख देंगे, पूरे को सॉल्व करके एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टेल मी, कैलकुलेशन समझ में आ गई। हाँ, ये 6th क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट जबरदस्त है, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा आपको शायद प्रेशर वाला फॉर्मूला। हाँ, 2 mu, ये सात्विक गुप्ता सही कह रहे हैं, 2 mu भी रख सकते हैं, 2 mu से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, 2 mu से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 mu ले लेना, 1.66 × 10^6, amu इज 1.66 × 10^-27, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है आज का, बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा टाइम लेगा होने में, लेकिन बहुत सारी बातें सिखा के जाएगा। यह थर्मल स्ट्रेस का एक प्यारा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, जो आपको बहुत अच्छी बात सिखाएगा। 2 स्टील रॉड्स, पढ़ लीजिए सवाल एक बार, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार मन से सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ लीजिए एक बार। 2 steel rods and an aluminium rod, steel aluminium बीच में, of equal length, सबकी length L not है, equal cross section area सबका same है, are joined rigidly, हाँ, जुदा नहीं होंगे, क्या होंगे, जुदा नहीं होंगे, at their ends as shown in figure, बिल्कुल किनारों पे, बिल्कुल rigidly, all the rods are in the state of zero tension at 0°C पे, सब बिल्कुल zero tension में थे, कहने का मतलब सब अपनी natural length में थे, सब मजे में थे। Find the length of the system when the temperature is raised to theta. इसका टेम्परेचर जीरो से उठाकर theta ले गए, लेंथ बतानी है सिस्टम की, coefficient of linear expansion of aluminium steel are this and this, Young's modulus of aluminium is this and this. वाह, बढ़िया, एल्यूमिनियम का दिया है alpha A, स्टील का दिया है alpha S, Young's modulus का YA और ये स्टील का YS. इस सवाल को बढ़िया से समझेंगे, चलिए समझेंगे जरा, होगा क्या,
ये बीच में एल्यूमिनियम है। हाँ ठीक है ठीक, ये एल्यूमिनियम है। ये स्टील, इसको हमने गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो कोई एक ज्यादा बड़ा होना, भाई स्टील और एल्यूमिनियम की नेचर है। मैंने माना एल्यूमिनियम ज्यादा, उसने बताया कुछ नहीं है, मैंने माना एल्यूमिनियम ज्यादा बड़ा होना चाहता है। तो थोड़ी देर बाद के हालात क्या होंगे, आइए उन पर चर्चा हो जाए। थोड़ी देर बाद ये होना क्या चाहते हैं पहले उस पर बात हो जाए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहूं तो दोनों तरफ बढ़ाऊं, हालांकि दोनों तरफ बढ़ेंगे लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक ही तरफ एक्सपेंशन ले रहा हूं, या ये कहिए एक्सपेंशन दोनों तरफ हुआ था, मैंने खिसका के रख दिया इसको, ये मान लो। अरे एक्सपेंशन दोनों तरफ हुआ था, मैंने इस पूरे सिस्टम को इधर खिसका के रख दिया, ठीक है। ये यहां जाना चाहते हैं, कौन जाना चाहते हैं यहां, ये स्टील वाले बाऊजी यहां जाना चाहते हैं, इतना बढ़ना चाहते हैं। और एल्यूमिनियम की इच्छाएं ज्यादा है, आप अगर स्टील को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे एल्यूमिनियम को कम, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, वो तो वेरिएबल्स की टर्म में आ रहा है। यानी कि ये बाबूजी पहले एल नॉट थे, यहां से लेके यहां तक। मैं फिर कह रहा हूं बड़े होंगे ये दोनों तरफ, मैं समझाने के हिसाब से आपको एक तरफ कर, आप दोनों तरफ लेके करोगे वही दो बार का एनालिसिस होगा, उसका डबल कर देंगे जो इधर का एनालिसिस होगा, बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल आप ये मान सकते हैं कि ऐसे होना चाहते हैं, एल्यूमिनियम ज्यादा बड़ा होना चाहता है, स्टील कम बड़ा होना चाहता है। लेकिन क्या ये अलाउड है, सोच के देखिए, क्या ये अलाउड है, इसकी अनुमति दे रखी है क्या आपको? इसकी भाई ने अनुमति ही नहीं दी है, क्योंकि उसके जो किनारे हैं वो रिजिडली फिक्स्ड हैं। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि फ्रीली ये इतने बड़े बड़े होना चाहते थे, यानी कि ये बाबूजी आगे जाना चाहते थे। सर कितना आगे जाना चाहते थे, ये बाबूजी आगे जाना चाहते थे एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी। ये कौन है, स्टील, स्टील इतना आगे बढ़ना चाहता था, और जो एल्यूमिनियम था हमारा वो आगे जाना चाहता था एल नॉट अल्फा ए डेल्टा टी। लेट अस से अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा एस, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा आगे जाना, लेकिन अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है तो ये आगे जा रहा है, ये पीछे रह गया है। तो जो आगे भागा जा रहा है उसको पीछे वाला क्या कहेगा, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। पीछे वाला क्या कहेगा, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, मुझे साथ ले लो जहां जा रहे हो। और समझ रहे हैं, कौन कहेंगे, पीछे वाले इसको कहेंगे, और आगे वाला पीछे वालों को क्या कहेगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि होगा ये, समझिएगा, ये इस पर पीछे एक फोर्स लगाएगा एफ, बदले में ये इस पर एफ फोर्स लगाएगा आगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि रिजिड ये हो ही नहीं पाया ना कभी, ये हो ही नहीं पाया, तो इसने इस पर फोर्स लगा के थोड़ा इसको पिचका दिया होगा, और इसने इसको फोर्स लगा के थोड़ा सा आगे बुला लिया होगा, इसने इस पर फोर्स लगा के थोड़ा आगे बुला लिया होगा, और इसने इस पर फोर्स लगा के थोड़ा सा पिचका दिया होगा। समझिएगा थोड़ा सा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एफ और एफ इन दोनों पर लगे होंगे, ये इसे आगे ला रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा बहुत मजा आएगा, और ये दोनों मिलकर इसे पीछे लाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ये एफ फोर्स इसको बड़ा करेगा, ये एफ फोर्स इसको बड़ा करेगा, इसके ऊपर तो दो की जिम्मेदारी है, और ये टू एफ इसको छोटा करेगा। और थोड़ी देर बाद के हालात क्या होंगे वो देख के आपको मजा आ जाएगा। ये थोड़े से आगे चले गए, कहने का मतलब क्या है, थोड़ी देर के हालात ये हैं, देखिए जरा ये कहां आकर रुक गए हम साहब, स्टील थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो स्टील थोड़ा सा बड़ा हो गया और एल्यूमिनियम थोड़ा पीछे आ गया। अरे सामंजस्य बिठा के चलना है भाई, हम तीनों रिजिडली फिक्स्ड है, हम अलग अलग नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, और कुल मिलाकर ये दोनों एक बराबर आगे आ जाएंगे। आपको बात समझ में आई, इसकी इच्छा कम आगे आने की थी, इसकी इच्छा ज्यादा आगे आने की थी, इसने इसको पुकारा, इसने इसको हाथ देकर आगे बढ़ाया, ये थोड़ा आगे आ गया, ये थोड़ा पीछे आ गया, मिलकर दोनों साथ रहने लगे,
ऐसा कुछ हुआ होगा, हमसे ये लेंथ पूछी गई है, ये लेंथ लेटस से एक्स है, ये एक्स कैसे निकलेगा उस पर मेहनत करते हैं, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी कि एक्स कहां से आएगा, इसकी एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो इक्वेशन लिखनी सिखा रहा हूं, एक बारी में समझ गए तो समझ गए वरना नहीं आएगी समझ में। इक्वेशन बहुत सिंपल है, क्या है वो इक्वेशन आइए देखते हैं। एफ फोर्स लगाकर इसको आगे लेके गए तो जानते हो ये टोटल कितना आगे आया, मैं आपको बताता हूं, स्टील टोटल कितना आगे आया मैं आपको बताता हूं, स्टील आगे आया होगा एल अल्फा एस डेल्टा टी प्लस, ध्यान से देखना स्टील कितना आगे आया होगा, एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी, इतना तो वो अपने टेम्परेचर की वजह से आया, ऊपर से एफ ने भी तो बुलाया होगा उसे, एफ एफ एल नॉट अपॉन ए वाई स्टील, सर ये क्या लिख दिया आपने, एफ एल अपॉन ए वाई, सर ये कौन है, फोर्स होता है ना खींचने वाला, और ये फोर्स होता है कि नहीं होता है खींचने वाला, इस एफ फोर्स ने, और वो दोनों तरफ से लगा होगा, इधर भी लगा होगा, वो तो मैंने इधर का एनालिसिस किया नहीं, समझाने के लिए एक ही तरफ कर रहा हूं, वरना तो दोनों तरफ हो रही है घटना, एक ही तरफ का एनालिसिस करके पूरी बात समझा रहा हूं कि इस एफ फोर्स ने इसको इतना बड़ा कर दिया होगा, समझ रहे हैं, तो हुआ ये होगा कि ये अपने आप कितना बड़ा होना चाहता होगा, एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी इतना बड़ा होना चाहता होगा, और एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी में एफ वाले ने भी उसको आगे बढ़ा दिया होगा। अब बात की किससे, एल्यूमिनियम से, मैंने कहा भाई एल्यूमिनियम तेरे क्या हालत है, एल्यूमिनियम कहा कब, एल्यूमिनियम ने कहा देखिए भाई साहब बात है ऐसी, मैंने कहा कैसी, कहते भाई साहब मैं अपने आप से बड़ा होना चाहता था एल नॉट अल्फा ए डेल्टा टी, मैंने कहा सही बात है, लेकिन मुझे इस 2F के बच्चे ने पीछे खींच लिया, इसको खींचने वाला F नहीं है, ध्यान रखना 2F है, 2F इसे पीछे खींच लेगा, 2F L नॉट, ध्यान से देखना 2F L नॉट, इसकी ओरिजिनल लेंथ L नॉट ले लेंगे, हालांकि मैं आपको बताऊं यहां पर वो ओरिजिनल लेंथ बढ़ा के लेनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू इतनी छोटी होगी कि L नॉट में जोड़ने का कोई फर्क नहीं है, ये तो दिखने में ऐसी दिख रही है वरना बहुत छोटी है, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा जो 2F ने कम कर दिया, तो एफ एल अपॉन ए वाई किसका, एल्यूमिनियम का। ये इक्वेशन अगर समझ आ गई तो समझो पूरी बात समझ आ गई, यानी कि स्टील जितना आगे आना चाहता था फोर्स ने थोड़ा उसे और आगे ले आया, एक बात, और एल्यूमिनियम जितना आगे जाना चाहता था फोर्स उसे थोड़ा पीछे ले आया, यानी कि एल्यूमिनियम में जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था उससे थोड़ा कम कर दो, और दोनों जब एक जगह आए होंगे तो दोनों बराबर आगे आए होंगे, ये जो लेंथ है दिस इज एक्स, ये जो लेंथ है दिस इज एक्स, इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो बराबर ही आएगी। सर तो फिर इस इक्वेशन को क्या करें, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज नोन है, एल नॉट एल नॉट एल नॉट एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखें, अल्फा एस गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, थीटा रख देंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह थीटा रख देंगे, मैं निकाल के दिखा देता हूं, अल्फा एस थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस एफ अपॉन ए वाई एस इज इक्वल टू, ये कितना है, अल्फा ए डेल्टा टी है ना, तो अल्फा ए थीटा डेल्टा टी, तो उसमें भी थीटा है, माइनस का 2f अपॉन a y a, ये जो f अपॉन a f अपॉन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आ गया, अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, f की वैल्यू निकालेंगे, तो f की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वो f की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, f की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आया, हां जी आपको सॉल्यूशन समझ में आए, बात सिर्फ इतनी सी है, समझने की बात है, स्टील जितना आगे जाना चाहता था उस पर लगने वाला फोर्स उसे थोड़ा आगे और लेके जाएगा, एल्यूमिनियम जितना आगे जाना चाहता था उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उसे पीछे लेके आएगा, बस इस इक्वेशन को दोनों के दोनों डिस्टेंसेस को बराबर रख देंगे, दोनों मिलकर बराबर आए होंगे, इस एक इक्वेशन से एक अननोन निकाल लेंगे एफ, उस एफ को वापस लाके यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई एक वैल्यू निकाल लेना, ये वाली भी एक्स है ये वाली भी, उसने एक्स ही पूछा है हमसे, तो आज के लिए इतना ही है, आई होप आज जो मैंने कोशिश की थर्मल स्ट्रेस वाली बात समझाने की, जो मैंने कोशिश की कि आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कैसे करना है समझाने की, मैंने कोशिश की कि टेम्परेचर स्केल्स को कैसा समझना है, आई होप मैं उसमें कामयाब रहा हूंगा, और थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री और KTG इसका एक ठीक ठाक रिविजन आपकी नजरों में हुआ होगा। कल सुबह हम, कल तो संडे है, कल अपन यही मिलेंगे, रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी उस दिन, मैं व्यस्त हूं थोड़ा सा, तो दो दिन हम नहीं मिलेंगे अब, और हम सीधा ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को मिलेंगे, ठीक है, तो मंगलवार को अपनी मुलाकात होगी, और मंगलवार को हम सुबह सुबह, अभी आपके पास दो दिन का समय है, और इस दो दिन में हम लोग
अभी तक जितनी चीजें पढ़ा चुका हूं उसका एक रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन एक बार करके दे सकते हैं बढ़िया से, और शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब परसों आप लोग, परसों यानी कि परसों नहीं सॉरी ट्यूसडे को जब आप लोग मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। एक क्लास हम थर्मोडायनेमिक्स पर रखेंगे और पॉसिबली हम थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर की एक साथ क्लास लें, थोड़ी लंबी क्लास लूंगा तो एक ही दिन में थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों हो जाएंगे। शाम को हम चार चार सवाल जो है रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के और तीन सवाल रखेंगे हीट ट्रांसफर के, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर एक साथ करेंगे। और उसके बाद वी विल मूव टू SHM एंड वेव्स, एक क्लास SHM की और एक क्लास वेव्स की रखेंगे। वेव्स के साथ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे जहां पर एक डॉपलर का क्वेश्चन, एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स का क्वेश्चन, सब अच्छे अच्छे तरह के सात सवाल करेंगे। एंड आई होप आप सब इंजॉय करेंगे और बढ़िया सीखेंगे। एग्जाम हमारे आसपास है लेकिन हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपके साथ हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम और सवाल करते रहना है डेली, और बस बढ़िया शानदार जबरदस्त। ठीक है दोस्तों, आता माजी से टकली। हाँ सात्विक, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट बेटा।